दोस्तों 2014 की GLI कन्वर्ट XLI अभी हम लोग XLI कन्वर्ट GLI अभी हम लोग को जो है वो मिल चुकी है। तो बहुत सारे लोग हमें ये बोल भाई ये गाड़ी जो भी भाई हमारे देख रहे हैं जो शौकीन है जो खास तौर पे बोलते हैं ना कि ऐसा भाई कोई मार्केट से ऐसी गाड़ी निकाल दो ढूंढ के जो मार्केट में दिखे ही ना, तो भाई ये गाड़ी 2017 और 2021 की एवरी अभी हमारे पास मौजूद है। तो एवरी है इंक कलर जो है वो कहलाता है यानी कि नेवी ब्लू कलर कहलाता है। 2013 का ये मॉडल है। इस गाड़ी का सेल हुई गाड़ी है सर बस जितने में दिए बताना यार बताएं तो सही ना, देखें व्यूअर्स वेट कर रहे हैं बता दें जितने की भी दिए कोई टेंशन ही नहीं है यार। ये हमने 1080 की दी। 1080 की ये आ जाओ जंगली तरबूज अफगानिस्तान का। ओ भाई साहब 50 का 30 कर दिया। ओ भाई शरबत आ। सो पंजाब वाले हमारे जितने नाजरीन हैं जो बोलते हैं सन भाई पंजाब नंबर की गाड़ियां जो है वो ऐड कर दिया करें। 2015 मॉडल की GLI हम लोग के पास मौजूद है। बोला था कि भाई आज की वीडियो में मेहरान ज्यादा होने वाली है, तो 2016 की एक और गाड़ी आप लोग के लिए जो है वो लेके आ गया हूँ मैं। में लोग मैंने अभी देखा है कोई 21 मांग रहा है, कोई 21.5, मैंने 19.5 रखे हुए हैं और 19 लाख और 65,000 18,65,000 में मैं ये दे दूंगा। ठीक है, मार्केट में मुझे इसके 18,30,000 रुपये लगे। ठीक है। So, 2011 मॉडल की मेहरान अभी हम लोग के पास मौजूद है। तो भाई देख टोयोटा लैंड क्रूजर 95 या 96 का जो है ये मॉडल है, नीलामी वाली जो है ये गाड़ी है। तो 12 का ये मॉडल है, तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट इस गाड़ी की होती है इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अर्शन शाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली आप लोगों को मैं पहले से ही जो है वो ईद मुबारक कह देता हूँ, तो भाई आप सबकी कुर्बानी जो है वो अल्लाह कबूल करे। तो बकराईद का ये आखिरी यानी कि जिसको हम बोलेंगे कि इसके बाद तो जाहिर सी बात है ईद आ जाएगी, ईद के बाद ही जो है वो बाजार लगेगा, तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी आएंगे। लेकिन आज जो बाजार की सिचुएशन है वो ये है कि 2:40 जो है वो हो चुके हैं, तारीख है 25 जून। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ मार्केट, ये कि अभी देखते हैं गाड़ियाँ जो है वो आप लोगों ने अच्छी से अच्छी जो है वो ऐड करते हैं। बाकी अगर आप लोग की कोई रिक्वेस्ट हुआ करें तो कमेंट कर दिया करो, नीचे जाकर लिख दिया करो गाड़ी का नाम और गाड़ी का मॉडल, जब भी हम मार्केट आते हैं तो आप लोगों ने गाड़ी ढूंढ लेंगे। बाकी कोशिश करेंगे सस्ती गाड़ियाँ भी ऐड करें, कुछ ऊपर के मॉडल भी ऐड करें और बाकी आप लोग को ओवरव्यू दे देंगे कि भाई मार्केट में गाड़ियों के क्या रेट चल रहे हैं। तो अभी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहली गाड़ी जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो है हमारे पास ऑल्टो मौजूद है, 2012 का ये मॉडल है। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट इस गाड़ी की होती है इस वजह से क्योंकि देखें अभी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं हमारे पास होंडा की गाड़ियाँ हो गई या फिर टोयोटा करोला वगैरह हो गई, तो उनके रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। तो यही गाड़ियाँ भी मार्केट में ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं और गाड़ी भी मुझे अच्छी लगी खड़ी हुई। गाड़ी जो है वो तकरीबन जेन्युइन वाला जो है वो सीन है। बाकी अगर कुछ पीसेस के हुए तो गाड़ी के ऑनर से हम लोग मालूम कर लेंगे, आप लोगों को डिटेल्स वगैरह दे देंगे भाई गाड़ी का क्या हिसाब किताब है। बाकी गाड़ी स्टार्ट भी की थी अभी भाई ने, तो इंजन वगैरह भी गाड़ी का बिल्कुल साइलेंट जो है वो सुन वाला सीन था। तो मैंने बोला यार आप लोग को ये गाड़ी जो है वो दिखा देना ताकि ईद से पहले अगर कोई लेना चाह रहा है तो उसके लिए एक अच्छी गाड़ी जो है वो हो जाए। तो गाड़ी की दोनों साइडें मैंने आप लोगों को दिखाई, ठीक है इसी तरीके से चलते हैं, चल के गाड़ी के आप लोगों को बैक साइड वगैरह भी विजिट करवाते हैं कि गाड़ी की बैक साइड किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिलती है। सो यहाँ से आ चुके हैं हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे। तो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि ये मकसद, तो बैक साइड पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से भी आप लोग देख लो दोनों लाइट्स वगैरह जो है वो गाड़ी की आप लोग चेक कर लो, बम्पर्स वगैरह पे कोई स्क्रैचेस वगैरह आप लोगों को नजर नहीं आ रहे होंगे। गाड़ी की जो है वो छत वगैरह मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो यहाँ से आप लोग गाड़ी की रूफ चेक कर लें, रूफ गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में जो है वो आप लोगों को मिल रही है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बैक साइड के फेंडर्स वगैरह यहाँ से भी जो है वो दिखाऊँ, तो ये भी आप लोग जो है वो चेक करें। गाड़ी यहाँ से भी यानी कि बिल्कुल साफ सुथरी है। तो ये वाला जो है वो सीन है, पॉलीगेटेड वाला सीन नहीं है गाड़ी में। दरवाजे वगैरह चेक कर लेते हैं गाड़ी के, सो दरवाज़ों में आप लोग देख लें गाड़ी की सीलें वगैरह आप लोग को जो है वो कम्प्लीटली क्लियर नज़र आ रही होंगी। गाड़ी के दरवाज़ों के डोर पैनल्स वगैरह अच्छे से मेनटेन हुए हुए हैं। बाकी नीचे की साइडों की अगर हम लोग बात करें तो फुटपारियाँ वगैरह आप लोग चेक कर लें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स आप लोग देख लें, पिलर्स भी गाड़ी के जो है वो आप लोग को क्लियर नज़र आ रहे होंगे। अच्छा इसी तरीके से अगर हम बात करें गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड गाड़ी का क्लियर है, LCD पैनल गाड़ी में लगा हुआ है, नीचे मैटिंग वगैरह हुई हुई है गाड़ी में। अच्छा इंटीरियर में सीट्स की अगर मैं बात करूं तो अंदर से सारे कवर्स वगैरह इन्होंने जो है वो बनवाए हुए हैं, यहाँ से आप लोग देखें सब आप लोगों को जो है मेंटेन नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से दरवाज़ों के जो बीच के पैनल्स होते हैं उस पर भी इन्होंने जो है जैसे अंदर कवर हैं इसी तरीके से मैचिंग करवाई हुई है। बैक साइड का मैं आप लोग को डोर दिखा देता हूँ, सो यहाँ से आप लोग गाड़ी की जो है वो नीचे से फुटपाथ देख लें नीचे वाली साइड की बैक साइड की। बाकी गाड़ी के पिलर आप लोग यहाँ से जो है वो देखें, मैं आप लोगों को गाड़ी के पिलर्स दिखा रहा हूँ, क्लियर है यानी कि साफ सुथरी जो है वो गाड़ी है। बाकी यहाँ से आप लोग दरवाजों की दूसरी साइड भी जो है वो चेक करें, गाड़ी नो डाउट आप लोगों को ये अंदर से भी नीट एंड क्लीन मिल रही है। गाड़ी की डिग्गी चेक कर लेते हैं, सो डिग्गी वाली साइड पर आ चुके हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई ये भी बोल रहे थे कि हसन भाई डिग्गी लाजमी दिखा दिया करें, तो ये आप लोग चेक कर लें गाड़ी के जो है वो अंदर से सीले चेक करें गाड़ी की डिग्गी की, क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ठीक है इसी तरीके से पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ,
यहाँ से आप लोग ऊपर की फ्रंट की जो पट्टी होती है वो आप लोग चेक कर लें, इसी तरीके से दूसरा वाला कॉर्नर भी चेक करें। अच्छा, नीचे सामान वगैरह रखा हुआ है, लेकिन ये कि गाड़ी जिस तरीके से इन्होंने साफ़ सुथरी रखी हुई है तो गाड़ी नीचे से भी क्लियर होगी। गाड़ी का इंजन रूम चल के देख लेते हैं। सो ये आ चुके हैं हम लोग गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। इंजन रूम भी आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखाएं। तो सबसे पहले आप लोग गाड़ी की फ्रंट की पट्टी जो है वो चेक कर लें, यहाँ पर आप लोगों को साफ़ सुथरी नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से बैक से हम लोग गाड़ी के कुप्पे वगैरह चेक कर लेते हैं, तो कुप्पों की सीलें वगैरह देख लें आप लोगों के सामने कंप्लीट क्लियर हैं। बाकी टिकली लगी हुई है गाड़ी के अंदर। बैक की वॉल की अगर हम लोग बात करें, यानी कि बैक की जो शील्ड होती है वो भी आप लोगों के सामने है, क्लियर है। बाकी बैटरी वगैरह मेरे ख्याल से न्यू इन्होंने अनकरीब डलाई है कि, तो साफ़ सुथरी बिल्कुल बैटरी भी आप लोगों को नज़र आ रही है। इंजन रूम की अगर मैं बात करूँ तो इंजन रूम ओवर व्यू अगर मैं आपको दूँ तो इसमें हाल फिलहाल कहीं ऑयल की लीकेज या इस तरीके का कुछ नज़र नहीं आ रहा। गाड़ी बिल्कुल यहाँ से भी साफ़ दिख रही है। आप चलते हैं, जो गाड़ी के ऑनर है ज़रा उनसे गाड़ी की मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं शफीक भाई, जिनकी ये गाड़ी है। सर, गाड़ी हमने जो है वो ओवरऑल दिखा दी है, गाड़ी के बारे में बताया। सर, गाड़ी कैसी है बॉडी में? ये बिल्कुल ओके गाड़ी है भाई, पूरी ओरिजिनल है, एक पीस टचअप है बस। ठीक है, एक पीस जो है टचअप है, बाकी गाड़ी 2012 की गाड़ी है, ये सेकंड ओनर है। गायब होगी, नई बैटरी डाली है, ड्राई बैटरी, नए टायर है, सस्पेंशन ओके, इंजन ओके, एसी चिल्ड है इसका, टैक्स क्लियर है 2023 तक का। ठीक है, यानी कि नंबर प्लेट जीपीएस टैक्स हर चीज जो है सब जिम्मेदारी है। सारी लेदर सीट कवर लगे हुए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम आप कौन सा बता रहे थे, दिखाईगा लोगों को। ये क्या 2-3 किलोमीटर तक बंद भी कर देता है गाड़ी? ऐसा ही है, दुबई से लाया था मैं, दो गाड़ियां, एक मैंने करोला पे डाल दी। चलें जी, तो भाई ये सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह भी गाड़ी में लगा मिल रहा है। सर, ये तो हो गई गाड़ी की कंप्लीट बातचीत। चली भी कितना है सर ये गाड़ी? ये चली हुई 82,000 और एवरेज वगैरह तकरीबन क्या करती है? एवरेज ये करती है 12 AC, बगैर AC के 14 जाएगी। ठीक है सर, क्या पैसे गाड़ी के? इसकी डिमांड जो रखी हमने 85 है, बस देने वाले हैं, फाइनल देंगे 8-8.5 में, बस वो 9.5 है, 9.5 9.5 में देंगे, क्योंकि 9:30 की ऑफर आई थी, हमने नहीं दी गाड़ी। 9:30 की ऑफर आई हुई है आपके, देने कितने में? 9.5 में बस, फाइनल नहीं। बिल्कुल ठीक है, 9.5 लाख रुपए जो है वो गाड़ी के फाइनल बोल रहे हैं शफीक भाई। वो रेट का थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो गया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा। शफीक भाई को कॉल कर लीजिएगा, जिन भाई को भी ये गाड़ी चाहिए। शफीक भाई अपना नंबर शेयर कीजिए। 0300-2198-402 जी भाई। तो ये जो है वो नंबर है, और लोकेशन क्या है शफीक भाई? ये PCCS ब्लॉक 2 तारीख रोड। ठीक है, इस लोकेशन पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। टोयोटा लैंड क्रूजर 95 या 96 का जो है ये मॉडल है, नीलामी वाली जो है ये गाड़ी है। तो जो भी भाई हमारे बोल रहे थे कि एहसन भाई आप जो है वो बड़ी जीप्स वगैरह ऐड नहीं करते टोयोटा की, तो भाई आज ये गाड़ी नजर आई है। तो मैंने बोला चलो यार आप लोगों के लिए, भाइयों के लिए ऐड कर दें। अच्छा, गाड़ी के हवाले से बात करें तो अभी गाड़ी के ऑनर से मैंने बात करी, मैंने पूछा उनसे भाई कलर है गाड़ी, ऊपर से शावर्ड है, तो वो तो मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम बातचीत करेंगे उनसे तो और मजीद डिटेल्स वगैरह ले लेंगे कि गाड़ी का क्या हिसाब किताब है। बाकी आप लोग देख लो बलूचिस्तान की जो है उसके ऊपर आप लोगों को नंबर प्लेट लगी हुई नज़र आ रही होगी। इसी हिसाब से अगर हम बात करें गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ से भी आप लोग एक नज़र जो है वो गाड़ी देखें। गाड़ी आप लोग के सामने क्लियर है, कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स वगैरह नहीं है, लाइट वाइट गाड़ी के बिल्कुल साफ हैं। बाकी आप लोगों को पता है इस पे केज वगैरह अगर सामने लग जाता है बड़ा वाला, तो इस गाड़ी के भरम ही अलग हो जाते हैं, उसको कोई रोकता भी नहीं। ये बड़ी इसके अंदर जो है वो अच्छी चीज़ है। टायर्स वगैरह अच्छे से मेंटेन लगाए हुए इन्होंने, रिम्स वगैरह आप लोग जो है वो गाड़ी के देख लें। बाकी इसी तरीके से चलते हैं, चल के गाड़ी की बैक साइड वगैरह भी आप लोगों को विजिट करवाते हैं गाड़ी बैक साइड से किस तरीके से। सो फ्रंट आप लोगों ने देखा, गाड़ी की बैक साइड पे आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग गाड़ी का जो है वो बैक साइड भी देख लो, दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की बिल्कुल साफ़ है, कोई ब्रेक नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, कलर वलर गाड़ी का ओके नज़र आ रहा होगा। अच्छा, रूफ़ की जहाँ तक बात रही तो हमारी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये फ़ायदा उठाते हुए आप लोग को जो है वो साथ साथ गाड़ी की रूफ़ भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये तो हो गई भाई बॉडी वाली बात, अब चलते हैं जरा इसका इंटीरियर वगैरह भी आप लोग को दिखाते हैं गाड़ी का इंटीरियर से कैसी है गाड़ी। तो सबसे पहले आप लोग गाड़ी के अंदर से दरवाजे वगैरह देख लो, यहाँ से सारी नीचे की साइडें वगैरह चेक करो। गाड़ी के डोर पैनल्स आप लोग यहाँ से जो है वो देखें, नीचे से गाड़ी की फुटपारियाँ वगैरह देखें, पिलर्स आप लोग गाड़ी के जो है वो एक नज़र देख लें। अच्छा, डैशबोर्ड वगैरह की बात करें तो इसका डैशबोर्ड वगैरह बेसिकली मुझे भी काफ़ी पसंद है, काफ़ी हैवी सा होता है यहाँ से। बाकी बीच का सेंटर कंसोल देखें। अच्छा, 4x4 वगैरह भी इसमें लगा हुआ है? 4x4 है, पेट्रोल है, आप इंजन में पेट्रोल। ठीक है, तो भाई 4x4 वगैरह और ऑटो ट्रांसमिशन जो है ये गाड़ी है। और सीट्स वगैरह की अगर बात करें तो उन्होंने सीट्स वगैरह गाड़ी की बिल्कुल मेंटेन करवाई हुई है, यहाँ से आप लोग देख लें कवर वगैरह सारे अच्छे से जो चढ़े हुए हैं। बैक साइड से भी मैं आप लोग को जो है वो दिखाता हूँ एक नज़र। तो ये आप लोग चेक करें नीचे की साइड है, इसी तरीके से नीचे से यहाँ से आप लोग दरवाजे चेक कर लें, यहाँ से आप लोग सीट्स वगैरह चेक कर लें। अच्छा, सनरूफ वगैरह भी इसकी वर्किंग में, ये खोलिएगा तो इसको खोलें ज़रा, तो ये आप लोग चेक कर लें भाई, सनरूफ वगैरह भी इसकी जो है वो वर्किंग में आप लोग को जो है वो मिल जाती है भाई से। ठीक है जी, तो ये चीज़ें भी जो है वो गाड़ी की वर्किंग में। बाकी गाड़ी मैंने आप लोग को तकरीबन दिखा दी है भाई, इसका इंजन रूम दिखा सकते हैं हम लोग? तो इंजन रूम भी आप लोग को विजिट करवाते हैं गाड़ी का किस तरीके से।
ताकि कंप्लीट रिव्यू बन जाए गाड़ी का, जिसको भी लेनी हो वो जो है आसानी से खरीद सके। तो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं सर, पेट्रोल इंजन है ये? ठीक है, क्या कौन सा ये इंजन सर, कितना सीसी? 4200 सीसी। तो भाई 4200 सीसी इंजन है यहाँ से आप लोग पूरा एक जीएलआई की तरह ये पेट्रोल कर रहे नहीं कर रहे सर, जीएलआई की तरह बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये आप लोग जो है वो चेक कर लें, इंजन रूम पूरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बस अब चलते हैं सर, भाई से बातचीत करते हैं। अच्छा बैटरी भी आप लोगों को नया लगा हुआ मिल रहा है इसके अंदर, ये आप लोग जो है वो चेक कर लो। अब भाई से बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शम्स रहमान भाई, जिनकी ये गाड़ी है। सर हमने गाड़ी तो जो है वो दिखा दी है, अब आप बताएं सर गाड़ी के बारे में। गाड़ी के बारे में तो अभी क्या बताऊं, आपने गाड़ी भी देख लिया, पूरे जेन्युइन गाड़ी है। और दूसरा बात ये पेट्रोल में, और आपने इंजन में सब कुछ क्लियर है, काम 4x4 सब कुछ आने ऊपर संदूक बेस में। बाकी पेट्रोल का ओरिजिन के लोग ज़्यादा बता रहे थे यार इसका पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, आप जिलेई में पेट्रोल डालो और इसको भी हैदराबाद लेके जाओ और उसको भी हैदराबाद लेके जाओ, ये दोनों एक जैसा खाएगा पेट्रोल। आपके सामने मैं आया हूँ कब से, मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल एसी मैंने स्टार्ट ऑन रखा हुआ है, कोई पेट्रोल का इशू नहीं इच्छता कि यार। ठीक है सर, 4200 सीसी जो है उसका पेट्रोल इंजन है, आप बता रहे हैं पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छा है, कितना एवरेज देती है एक लीटर में? यार मैं तो आया हूँ पिशावर गियो में, आना जाना 45,000 रुपए का है। ठीक है, पिशावर से आना जाना 45,000 रुपए के। तो बस आप लोग इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जरा देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा एवरेज क्या आ रहा है गाड़ी का। बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, ये हाई कोर्ट की गाड़ी है, ऑप्शन गाड़ी है। ठीक है, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट जज ने इसको ऑप्शन करवाया, इसका कागज वगैरह सब कुछ क्लियर है, हर चीज नंबर प्लेट मेरे पास पड़ा हुआ है फाइल में, हर चीज हाई कोर्ट से बिल्कुल जो ऑप्शन होते हैं गाड़ी जी 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 वो सब कुछ इसमें लगा हुआ है, कागज वगैरह। ठीक है, बेसिकली ऑक्शन की गाड़ी है और पेपर सारे क्लियर है गाड़ी के आपके ऊपर। ठीक है, अच्छा बलूचिस्तान नंबर की जो ये गाड़ी है, क्वेटा बलूचिस्तान नंबर, क्वेटा बलूचिस्तान नंबर की जो गाड़ी। सर क्या पैसे इसके मुनासिब? यार फाइनल बात जो करो ना, बिल्कुल फाइनल बात दे दें, 28 लाख रुपए, 28 लाख रुपए, 35-40 लाख रुपए कीमत इस गाड़ी की सर्च करते हैं, इस तरह रेट में 28 में फाइनल दे दूंगा। ठीक है, 28 लाख रुपए में ये गाड़ी बिल्कुल फाइनल आप लोगों को मिल जाएगी। फिर भी भाई को कॉल कर लीजिएगा, क्या पता आप लोग इससे अच्छे में बात बन जाए। सर अपना नंबर शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर है 0344-30-30-78-78-119-119। ठीक है, और ये गाड़ी देख कहाँ सकते हैं कराची में? ये यहाँ पे NPR कॉलोनी पे। ठीक है, इस लोकेशन पे ये गाड़ी देख सकते हैं। किसी भाई को ये गाड़ी पसंद आया भाई से कांटेक्ट कर लेगा, इंशाल्लाह ताला जो भी होगा इसमें मजीद गुंजाइश हो जाएगी। चले शुक्रिया बहुत बहुत सर। सो 2011 मॉडल की महरान अभी हम लोग के पास मौजूद है। तो भाई देखने महरान आप लोगों को ऊपर के मॉडल, नीचे के मॉडल, कोशिश कर रहा हूँ कि आगे पीछे के मॉडल दिखा दूँ ताकि आप लोगों को रेट का डिफरेंस मालूम हो जाए कि मार्केट में अभी रेट की डिमांड क्या चल रही है। क्योंकि देखें ऑनलाइन आप लोग देखते हैं लोग अपनी मर्जी के रेट लगा रहे होते हैं, उसमें इतना फर्क पता नहीं चलता, मार्केट से मेन आप लोगों को जो है वो पता चल जाता है। तो गाड़ी का ओवरव्यू आप लोगों को देते हैं। सो इस गाड़ी का पूरा ओवरव्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रंट से आप लोग लाइट्स वगैरह जो है वो चेक कर लो, बम्पर वगैरह जैसे आते हैं इसमें VX वाले जो ब्लैक वाले आते हैं उसी तरीके से जो है मौजूद हैं। बाकी इसके अलावा बात करें टायर्स वगैरह की, तो नॉर्मली व्हील कैप वगैरह लगे हुए हैं, टायर्स वगैरह की अच्छी कंडीशन है, यानी कि लेके आप लोग चला सकते हो। यहाँ से मुझे ग्रिप्स वगैरह अच्छी नजर आ रही हैं। बाकी साइड है आप लोग मेरे साथ साथ देखो, यहाँ से मैं आप लोग को एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि गाड़ी किस तरीके से है। तो पॉलीगेटेड नहीं है इतनी गाड़ी, बाकी थोड़ा बहुत नीचे नीचे से होगी तो वो आप लोगों के सामने होगी। गाड़ी के ऑनर से भी हम लोग मजीद जो है वो कंफर्म कर लेंगे कि भाई क्या सीन है। तो गाड़ी का आप लोगों ने फ्रंट देखा, गाड़ी की बैक साइड पे आ चुके हैं। बैक साइड पे दोनों लाइट्स गाड़ी की जो है वो आप लोग चेक कर लो, बम्पर्स वगैरह जैसे मैंने आप लोगों को बताया ब्लैक वाले लगे हैं इसके अंदर, न्यू मेरे ख्याल से इन्होंने इंस्टॉल करवाए। बाकी आप लोग ऊपर की साइड वगैरह देख लें डिग्गी किस तरीके से, तो डिग्गी नॉट आउट जो है वो साफ है, सीले वगैरह क्लियर नज़र आ रही है डिग्गी की बिल्कुल चारों तरफ से आप लोग जो है वो देखें। यहाँ से मैं एक पूरा ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे से कॉर्नर्स आप लोग देख लें गाड़ी के, जो कॉर्नर्स डिग्गी के कहलाते हैं ये वाली साइड है, ये आप लोग देख लो इसी तरीके से। दूसरी साइड से भी जो है वो आप लोग देखो। बाकी यहाँ से हम लोग जो है वो थोड़ा सा ये कारपेट हटा के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ से भी साफ सुथरी है गाड़ी, ये आप लोग देख लो दोनों तरीके, दोनों साइडों से स्पेयर व्हील वगैरह गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। चलते हैं चल के इसके दरवाजे वगैरह खोल के देखते हैं गाड़ी किस तरीके से है। सो गाड़ी के दरवाजे वगैरह अंदर से जो है वो चेक कर लेते हैं भाई किस तरीके से। तो यहाँ से आप लोग देख लो डोरियाँ वगैरह जो गाड़ी की सीलें हैं वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होंगी। बाकी देखें नीचे थोड़ी बहुत कलम टचिंग होती है तो वो आप लोगों को कैमरे में ही नज़र आ जाती है। गाड़ी के गत्ते वगैरह साफ़ हैं सुथरे आप लोगों के सामने हैं। ऊपर से आप लोग देख लो नीचे की गाड़ी के फुटपाथ आप लोग चेक कर लो, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स आप लोग एक नज़र जो है वो देखो इसी तरीके से। मैं यहाँ से आप लोगों को साइडें वगैरह भी दिखा रहा हूँ तो ये भी आप लोग देखें। अच्छा अंदर से अगर बात की जाए तो गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह क्लियर है, इसमें कोई फैडिंग वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही है। गाड़ी की माइलेज आप लोग यहाँ से जो है वो नोट कर लो, स्टेयरिंग वगैरह देख लो गाड़ी का। बाकी बैक साइड का डोर भी आप लोग को इस तरीके से मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर से आप लोग पिलर्स देख लो गाड़ी के, ठीक है। नीचे की साइड है आप लोग जो है वो देख लो पूरी क्लियर। यहाँ से आप लोग जो है वो सीलें वगैरह चेक कर लो दरवाज़ों की, ये भी क्लियर है। अच्छा सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट थोड़ी सी डस्टी है, लेकिन ये कि आप लोग को पता है इतना बड़ा काम नहीं है।
आजकल तो 2500-3000 रुपए में आप लोगों को नए सीट कवर मिल जाते हैं, लेके डाल दो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। गाड़ी का मैं आप लोगों को इंजन रूम दिखाता हूँ, इंजन रूम से गाड़ी किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिलती है। सो यहाँ से आप लोग देखें गाड़ी की फ्रंट पट्टी वगैरह जो है वो आप लोगों के सामने क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। यहाँ से आप लोग कॉर्नर्स वगैरह जो है वो देख लो, गाड़ी के कुप्पे देख लो, नीट एंड क्लीन है, कुप्पे बिल्कुल साफ आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। बैक की जो शील्ड होती है आप लोगों को पता है रस बहुत जल्दी आता है, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ पर देख लें आप लोग, ऊपर टिकली वगैरह भी लगी हुई है गाड़ी की। दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग जो है वो चेक करें, नीचे की साइड वगैरह भी आप लोग देख लें। सो एक कंप्लीट व्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी का यहाँ से जो है वो दिखा दिया है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर है, ज़रा उनसे मालूम कर लेते हैं कि भाई उन्होंने इस गाड़ी की क्या डिमांड रखी है। सो जाफर भाई अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जाफर भाई, क्या रेट चल रहे हैं 2011 के? सबसे पहले तो मुझे ये बता सर, बिल्कुल मुनासिब वाले बताइएगा। देखिए ये 2011 की मेहरान VX है, इंजन इसका अच्छा है, ठीक है, टायर भी इसके अच्छे हैं और ओनरों में भी फर्स्ट ओनर है। इसकी डिमांड हमने रखी है 7.5 लाख रुपए फाइनल देने वाले जो पैसे हैं, 7 लाख रुपए इसका, ठीक है, 7 लाख रुपए में देनी है ये गाड़ी। बाकी डिटेल तो भाई ने बता दी, भाई ने आसरा नहीं किया, सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं। अच्छा, अभी कोई नुक्स तो नहीं है गाड़ी में? सब कोई भी अगर गाड़ी खरीदता है परेशान होने वाली बात नहीं है, गाड़ी में कोई काम नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे जाना चाहे लें और चलाएं। ठीक ठीक है भाई, ये सारी जो है वो डिटेल है, भाई ने रेट भी बता दिए हैं। रेट देख लें आप लोग के सामने जो मार्केट में चल रहे होते हैं वही बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं डिमांड काफ़ी हाई हुई है, तो भाई मार्केट ही ये चल रही है। आगे भी अगर कोई गाड़ी मुझे 2011 की दिखी तो मैं ज़रूर ऐड करूँगा, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि भाई रेट क्या है गाड़ियों के। ठीक है सर, अपना नंबर ऐड कीजिएगा। नंबर बताइएगा फोन। 0347-2974-252 2954 252 जी। तो ये जो है वो भाई का नंबर है। भाई इसकी क्या लोकेशन है गाड़ी की? कायदाबाद। ठीक है, कायदाबाद पे आप ये गाड़ी विजिट कर सकते हैं। चलें, शुक्रिया भाई। ये चेक करें, बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े लोग यहाँ चल लिए। वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। कितने का शरबत है भाई? शरबत वाले भाई 30 रुपए। तो भाई ये 30 रुपए पानी की बोतल वाले भी आ गए भाई। यहाँ चल रही है पार्टी और गर्मी हो गई है काफी ज्यादा, तो मैंने बोला चलो माहौल चेक करवा दें। हमारे बुलान वाले भाई सारे खड़े हुए, ऐसन खड़ा हुआ और लोग भी दिख रहे होंगे, तो चलें जी। आजा जल्दी, तरबूज अफगानिस्तान का। ओ भाई साहब, 50 का 30 कर दिया। ओ भाई शरबत आई, ब्लू कहलाता है। सो भाई कल्टस की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ये कलर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मार्केट के अंदर ये गाड़ी का कलर आप लोगों को बहुत कम नजर आता है, और इसकी डिमांड जो लेने वाले आजाद है, जाहिर सी बात है उनकी नहीं, ये अनमोल है। इंक कलर जो है वो कहलाता है, यानी कि नेवी ब्लू कलर कहलाता है। 2013 का ये मॉडल है। इस गाड़ी के हवाले से अगर बात की जाए तो गाड़ी की लाइट्स वगैरह बिल्कुल न्यू साफ सुथरी आप लोगों को नजर आ रही होंगी। टचअप में अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत टचअप है गाड़ी, बाकी जो जो पीस ऑरिजिनल है, जो गाड़ी के ऑनर हैं जब उनसे बात करेंगे तो आप लोगों को मजीद डिटेल्स देंगे इस गाड़ी के बारे में। बाकी साइडें वगैरह गाड़ी के आप देख लें, कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं है। व्हील कैप वगैरह गाड़ी पर लगे हुए हैं। टायर्स की अगर बात करें लेके चला सकते हैं, हाल फिलहाल चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी की बैक साइड वगैरह आप लोगों को दिखाते हैं, गाड़ी बैक साइड से किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है। सो यहाँ से आप लोग चेक करें गाड़ी की बैक साइड, दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, गार्निश वगैरह गाड़ी की अच्छी है। बाकी आप लोग बम्पर्स वगैरह भी देख रहे हैं, तो नो डाउट गाड़ी इन्होंने अपने हिसाब से जो है वो अच्छी मेंटेन करी हुई है। इंटीरियर की जहाँ तक बात रही तो सुजुकी के जो कवर्स आते हैं कंपनी वाले वाइट कलर के, जो आपने देखा होगा जिसके ऊपर सुजुकी प्रिंट्स होता है, वो जो है इन्होंने डाले हैं। अंदर से सीट में भी साफ होंगी, तो चलते हैं ज़रा इसका इंटीरियर भी आप लोगों को दिखा देते हैं एक नज़र कि इंटीरियर किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ से आप लोग चेक करें गाड़ी के दरवाजे की सीले वगैरह जो है वो आप लोग देख रहे हैं, नीचे की साइडें देख रहे हैं, गाड़ी के डोर पैनल्स देखें। बाकी अगर बात की जाए फुटपाथों की, फुटपाथें आप लोग यहाँ से जो है वो गाड़ी की चेक कर लें। ऊपर से गाड़ी के पिलर्स आप लोग यहाँ से जो है वो एक नज़र देखें। अंदर आ जाते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं, तो डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का बिल्कुल साफ है, कोई यानी कि फैडिंग वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही है। मीटर वगैरह आप लोग यहाँ से जो है वो गाड़ी के विजिट कर लें किस तरीके से मिल रहे हैं। सीट्स कवर जैसा मैंने आप लोग को शुरू में बताया के ऊपर कवर्स वगैरह चढ़ावा है मैंने, ऊपर यानी कि अंदर वाली सीट के ऊपर ही कवर्स वगैरह चढ़े हुए हैं। मे बी सेफ्टी के लिए ज़्यादातर लोग चढ़ा देते हैं ताकि डस्टी वगैरह ना हो अंदर से कवर, जिनको सील करनी होती है गाड़ी। बाकी आप लोग ऊपर से जो है वो देख लें गाड़ी के पिलर्स, नीचे की साइड है, इसी तरीके से गाड़ी के डोर्स की डोरियाँ वगैरह भी आप लोग देख लें। सो ये कम्प्लीट भी मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखाया। गाड़ी की डिग्गी में आप लोगों को जो है वो चेक करा देता हूँ किस तरीके से है। तो यहाँ से आप लोगों को गाड़ी की डिग्गी भी चेक करवा देते हैं भाई किस तरीके से। तो ये आप लोग चेक कर लें, गाड़ी के कब्ज़े वगैरह चेक कर लें, डिग्गी के दोनों तरफ के कब्ज़े मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाकी सीलें वगैरह देख लें आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी। ऊपर से लॉक वाली साइड भी आप लोग जो है वो देखें। तो हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है यार गाड़ी आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँ, ताकि जो लेने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाए। तो गाड़ी का एक पूरा ओवरव्यू डिग्गी का भी मैंने आप लोगों को दिखाया। अच्छा, नीचे की साइड का थोड़ा सा ये कि ये बंद हो रही है ऊपर से, तो यहाँ से मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं। आमिर भाई, ये थोड़ा सा कारपेट हटाइएगा ज़रा, ये हम जो है नीचे से भी दिखा दें थोड़ा व्यूवर्स को, क्योंकि ये बंद हो रही है। सो आमिर भाई आ चुके हैं यहाँ पे,
तो ये आप लोग चेक कर लें, नीचे की साइड है, टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, एक्सपायर व्हील रखा हुआ है, गाड़ी की सारी साइड है, आप लोग देख लें। चलते हैं, चल के आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम दिखाते हैं, इंजन रूम से गाड़ी किस तरीके से मौजूद है। सो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं, यहाँ से आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम भी एक नज़र जो है वो दिखाते हैं किस तरीके से। सो ये आप लोग चेक कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फ्रंट की पट्टी वगैरह जो है वो आप लोग चेक करें, दोनों साइड है, मैं आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ, दोनों साइडों से आप लोग जो है वो देखो, ड्राई बैटरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, सारी साइडें वगैरह आप लोग जो है वो एक नज़र देखना है। गाड़ी के कुप्पे आप लोगों को नज़दीक से जो है वो दिखा देता हूँ, कुप्पे आप लोग चेक करें, बैक की पूरी शीट जो है वो एक नज़र आप लोग देखें, इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग जो है वो देखना है। सो एक कंप्लीट व्यू मैंने गाड़ी का आप लोगों को यहाँ से इंजन रूम का भी दिखा दिया है, बाकी अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और मज़ीद मालूम ले लेते हैं। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं गाड़ी के ऑनर आमिर भाई, आमिर भाई की ये गाड़ी है, सर इस गाड़ी के बारे में डिटेल्स दें, गाड़ी कैसी है सर? 13 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, अच्छी गाड़ी है, एक्सीडेंट पेपर और इंजन तीनों चीज़ों की इंशाल्लाह जिम्मेदारी लेंगे, यानी कि इंजन पेपर और गाड़ी के एक्सीडेंट की गारंटी, एक्सीडेंट कोई नहीं है, इंजन सील्ड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, एक एक पेपर क्लियर है, टैक्स नंबर प्लेट टिकली हर चीज़ से गाड़ी क्लियर है, टायर काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी के, बैटरी बिल्कुल अच्छी है, सस्पेंशन में कोई काम नहीं है, एसी वर्किंग में, ठीक है। ये गाड़ी जो है ना नेवी कलर में जो कम होती है, कम आती है, ब्लैक और नेवी में जो शौकीन होते हैं वो खरीदते हैं, इंशाल्लाह जो आएगा वो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा आमिर भाई, बॉडी में क्या है ये गाड़ी, पूरी शावर तो नहीं है ये गाड़ी? पूरी शावर नहीं है, टचिंग वचिंग थोड़ी गाड़ी हुई हुई है, पूरी शावर नहीं है, लेकिन बॉडी से बहुत अच्छी है, मतलब थोड़ी बहुत टचिंग है, पूरी जो है वो नहीं है, अंदर से पूरी जेन्युइन, वो जब आएगा बंदा जाहिर सी बात है अपने हिसाब से जो है वो चेक कर लेगा। सर क्या पैसे इसके मुनासिब देने वाले? यार वैसे तो 1280 की इसकी डिमांड है, लेकिन ये मुनासिब इसके कर देंगे, ये है इस गाड़ी के 1.25 लाख रुपए में फाइनल दे देंगे, 1.25 लाख रुपए सोचे में, इंशाल्लाह 1.25 में दे देंगे। चलें, ईद का आखिरी हफ्ता है, 1.25 लाख रुपए गाड़ी भाई ने गाड़ी के लिए यूज करनी हो ना ईद के लिए, तो गाड़ी में कोई काम नहीं है, एसी वैसी वर्किंग में, इंशाल्लाह गर्मी में ले और चलाएं। हाँ बिल्कुल, लेना और चलाना। आमिर भाई अपना नंबर भी शेयर कीजिएगा। नंबर मेरा है 03121285842842। तो भाई ये आमिर भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और मजीद मालूम ले सकते हो। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत आमिर भाई। भाई हुसैन और अयान हमें बोल रहे थे कि वीडियो में ले लो भाई, आप दोनों वीडियो में, ठीक है भाई, लाइक करना है लेकिन आप लोगों ने, चलो टाटा, चलो। सो फाइनली दोस्तों 2014 की GLI कन्वर्ट XLI अभी हम लोग XLI कन्वर्ट GLI अभी हम लोग को जो है वो मिल चुकी है, तो बहुत सारे लोग हमें ये बोल रहे थे कि हसन भाई कुछ मुनासिब रेट में अगर गाड़ी मिल जाए, इससे पहले पहले कोई अगर XLI खड़ी हो तो दिखाइएगा ज़रूर, तो उन भाइयों के लिए ये गाड़ी है। अच्छा गाड़ी की अगर बात की जाए तो साइडों से जो है वो गाड़ी शावर्ड है, ऊपर से जो है वो ओरिजिनल है, यानी कि छत बोनट डिग्गी जिसको हम लोग बोलते हैं, बाकी इसकी मजीद जो इन्फॉर्मेशन है जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे इंशाल्लाह ताला हम लोग मालूम कर लेंगे, रेट भी मुनासिब बोल रहे हैं, बाकी देखते हैं आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती, कमेंट करके मुझे बताया करें, गाड़ियाँ पसंद आया करें। फ्रंट की लाइट्स वाइट्स की अगर हम लोग बात करें, गाड़ी की लाइट्स वगैरह बिल्कुल साफ़ हैं, गाड़ी के बम्पर्स वगैरह आप लोग देख लें, अच्छा क्रोमिक पूरी किट जो आती है इसके अंदर वो इन्होंने लगाई हुई है, यानी कि आप लोगों को साइड मिरर वगैरह क्रोमिक दिख रहे होंगे, इसके जो हैंडल्स हैं यानी कि डोर ओपनर होते हैं जो वो सारे आप लोगों को क्रोमिक नज़र आ रहे होंगे, टायर्स के हवाले से अगर बात करें टायर्स वगैरह की कंडीशन आप लोगों को सही मिल रही है, लेके चला सकते हैं, नॉर्मली व्हील कैप वगैरह गाड़ी के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। तो ये तो हो गए बात गाड़ी के ऊपर, ऊपर से मैंने आप लोगों को बॉडी वाइज जो है वो फ्रंट की दिखाई, गाड़ी की बैक साइड भी ज़रा हम लोग विजिट करते हैं, गाड़ी की बैक साइड किस तरीके से आप लोगों को जो है वो मिल रही है। तो यहाँ से आ चुके हैं हम लोग गाड़ी की बैक साइड पर, तो बैक साइड की दोनों लाइट्स वगैरह आप लोग देख लें, बम्पर्स वगैरह देख लें, एक पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को जो है वो दे रहा हूँ, तो यहाँ से गाड़ी आप लोगों को कम्प्लीट नज़र आ रही होगी। गाड़ी की डिक्की चेक करते हैं किस तरीके से, यहाँ से डिक्की जो है वो हम लोग खोल लेते हैं, तो यहाँ से भी मैं आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखा दूँ, ये आप लोग जो है वो चेक कर लें, गाड़ी की डिक्की की सारी साइडें वगैरह चेक करें, सीले वगैरह जो है वो गाड़ी की आप लोग यहाँ से देखें एक नज़र, इसी तरीके से यहाँ से कॉर्नर्स वगैरह जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ चेक होते हैं, यहाँ से देख लिया करें, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी डिक्की आप लोग यहाँ से चेक करें, ये चीज़ें मैं आप लोगों को सारी साफ साफ ही जो है वो दिखा रहा होता हूँ। नीचे से अगर बात की है मैटिंग वगैरह की, तो ये बिल्कुल साफ़ है यहाँ पर, यानी कि कोई रस्ट वगैरह जो है वो देखने आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। दूसरी साइड से भी आप लोग देखें, और स्पेयर व्हील वगैरह और पाने वगैरह भी रखे हुए हैं, यानी कि गाड़ी की टोटली सारी चीज़ें आप लोगों को देखी होंगी। अब चलते हैं ज़रा गाड़ी का इंटीरियर आप लोगों को विजिट करवाते हैं, इंटीरियर से किस तरीके से है गाड़ी, तो यहाँ से हम लोग गाड़ी के गेट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये आप लोग चेक करें, गाड़ी के दरवाज़ों के नीचे के कॉर्नर्स साफ़ हैं, गाड़ी की डोरियाँ वगैरह कंप्लीट आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, डोर पैनल्स गाड़ी के देख लें। तो शुरू में बता दिया था मैंने आप लोगों को XLI कन्वर्ट GLI जो हुई हुई है, तो इसके अंदर आप लोगों को पावर विंडोज़ वगैरह नज़र आ रही होंगी, विंडो और इसके अलावा वुडन ट्रिम्स वगैरह भी गाड़ी के अंदर लगी हुई हैं, नीचे की साइडें वगैरह भी आप लोग जो है वो देख लें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स आप लोग जो है वो एक नज़र देखें, अंदर आ जाते हैं डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं, तो डैशबोर्ड वगैरह आप लोगों के सामने क्लियर आप लोगों के नज़र आ रहा होगा, मैट वेट अलावा है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये गाड़ी है,
सीट्स भी गाड़ी की साफ़ हैं, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कोई डर्टी वगैरह नहीं हो रही है या ज़्यादा डस्टी नहीं हो रही है, गाड़ी यहाँ से भी क्लियर है। बैक साइड का डोर हम लोग चेक करते हैं, गाड़ी का बैक साइड का डोर किस तरीके से है। तो जिन भाई ने भी मुझे बोला था इस गाड़ी की खास तौर पे, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई आप लोगों को गाड़ी कैसी लगी। बाकी रेट में कोशिश करेंगे कि भाई कम करवा लें, इसके ईद का आखिरी टाइम चल रहा है तो ज़्यादातर लोगों को जो है वो गाड़ियाँ मिल जाएँ। तो ये अंदर से भी साफ़ है, पूरा एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी का जो है वो यहाँ से भी दिखा दिया है। गाड़ी का इंजन रूम चल के देखते हैं कि इंजन रूम से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस कंडीशन में मिल रही है। तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। तो ये आप लोग चेक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग गाड़ी की फ्रंट की पट्टी जो है वो एक नज़र देख लें, इसके अलावा कॉर्नर्स वगैरह जो है वो आप लोग एक नज़र देखें। यहाँ से गाड़ी के कुप्पे में आप लोगों को नज़दीक से जो है वो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हैं। तो ये भी आप लोग जो है वो एक नज़र देख लें। दूसरी साइड का कुप्पा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ से भी चेक करें। तो एक ये पूरा ओवरव्यू मैं गाड़ी का आप लोगों को दे देता हूँ कि किस तरीके से। बाकी अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और मज़ीद मालूम इस गाड़ी के बारे में ले लेते हैं। So, अभी हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद भाई जिनकी ये गाड़ी है। सर गाड़ी हमने कम्प्लीटली दिखा दी, 2014 का ये मॉडल है, XLi कन्वर्ट GLi। सर कैसी गाड़ी है गाड़ी? जनाब ये अंदर से पूरी ओरिजिनल, बाहर से छत की बोनट ओरिजिनल, साइड है इसकी टचअप है, ठीक है। अच्छा, और इंजन 100 है, इंजन अपना ओरिजिनल है इसका, डॉक्यूमेंट फाइल क्लियर है। मार्केट में लोग मैंने अभी देखा है कोई 21 मांग रहा है, 21.5, मैंने 19.5 रखे हुए हैं और 18 लाख 65 में मैं ये दे दूंगा, ठीक तो है। मार्केट में मुझे इसके 18 लाख 30 हज़ार रुपये लगे, ठीक है। 18 लाख 30 हज़ार रुपये आपको लग चुके हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं 18 लाख 65 हज़ार रुपये में ये गाड़ी जो है वो छोड़ देंगे। वैसे मार्केट में लोग 19 से अबव जो है वो डिमांड, लोग नहीं, लोग 21 से अबव डिमांड, 20 से अबव डिमांड, 20 से अबव कर रहे हैं, तो यानी कि अच्छा खासा तकरीबन 2 लाख रुपये तक का डिफरेंस आ रहा है, 1.5-2 लाख रुपये। मैंने एक जगह पेमेंट करनी है, प्लॉट लिया हुआ है मैंने, तो वो उसकी पेमेंट करी, इसीलिए मैं इसको जल्दी, बेसिकली आपको दूसरी पेमेंट की जरूरत है एक जगह करने की, जब भी आप जो है सेल कर रहे हैं। तो देख लें भाई, जिन भाई को भी गाड़ी चाहिए थी ईद से पहले, जो मुझे बोल रहे थे कि हसन भाई दिला दें मुनासिब रेट में, तो भाई ये गाड़ी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सर कॉन्टेक्ट करना हो किस तरीके से, मेरा फोन नंबर है 0333-386-3864-44-59-59। तो ये जो है वो नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देख कहाँ सकते हैं सर हम? ये जी बफर जोन के एरिया में है, नॉर्थ कराची, ठीक है, नॉर्थ कराची बफर जोन में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू, थैंक यू। सो भाई ये गाड़ी जो भी भाई हमारे देख रहे हैं, जो शौकीन है, जो खास तौर पे बोलते हैं ना कि हसन भाई कोई मार्केट से ऐसी गाड़ी निकाल दो ढूंढ के जो मार्केट में दिखे ही ना, तो भाई ये गाड़ी आज मैंने ढूंढ के निकाली है। पूरी गाड़ी जो है ये जेन्युइन है, और जो भी भाई हमारे बोलते हैं ना कि बस जेन्युइन गाड़ी हो, अरे हसन भाई दिला दो। 99 का जो है ये मॉडल है, गाड़ी आप लोग चेक करो, कोई पीस इसमें टचअप वगैरह नहीं है, गाड़ी की सारी साइड है वाइड है चेक करो। बाकी एक जाहिर सी बात है, सेफ साइड गाड़ी के ऑनर से भी बातचीत करूंगा तो और मजीद इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन लूंगा कि भाई क्या है, हमें सही से जो है बताओ गाड़ी के बारे में, कहीं खुदा ना खास्ता एक आध पीस टचअप हो तो वो भी जो है वो हमें बता दो। गाड़ी का फ्रंट आप लोगों ने देखा, गाड़ी की बैक साइड पर आ चुके हैं, बैक साइड की दोनों गार्निश वगैरह आप लोग चेक करो, लाइटें वगैरह चेक करो, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है, अलॉय रिम गाड़ी के अंदर डले हुए हैं। टायर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं, टायर्स वगैरह क्लियर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। बाकी इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी मैं आप लोगों को एक नज़र जो दिखाता हूं, राइट हैंड साइड किस तरीके से है, तो ये आप लोग जो है वो चेक कर लें, राइट हैंड साइड से भी गाड़ी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। तो ये वाला सीन है गाड़ी में, तो मैंने बोला जब भी दिखा दूँ आप लोगों को। बाकी रेट की जहाँ तक बात रही, वो अभी देखिएगा, आप लोगों को पता चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ से आप लोग दरवाजे वगैरह जो है वो चेक करो, नीचे की साइड है, कॉर्नर्स वगैरह गाड़ी के जो है वो गत्ते वगैरह आप लोग एक नज़र जो है वो देख लो, नीचे से गाड़ी के फुटपाथें आप लोग जो है वो चेक करें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स वगैरह जो है वो एक नज़र देखें, अंदर से सीट्स वगैरह की अगर बात करूँ, सीट्स वगैरह गाड़ी की जो है वो मेंटेन हुई हैं, साफ़ सुथरा जो है इन्होंने रखा हुआ है गाड़ी को, नीचे मैटिंग वगैरह भी गाड़ी की बिल्कुल परफेक्ट करी हुई है। गाड़ी का मैं आप लोगों को आगे वाला डोर भी एक नज़र दिखाता हूँ, तो ये भी आप लोग चेक कर लो, सारी डोरियाँ वगैरह कम्प्लीटली क्लियर आप लोग को जो है वो गाड़ी की नज़र आ रही होंगी। डोर पैनल फ्रंट के भी बिल्कुल साफ़ हैं, नीचे से देखें आप लोग गाड़ी के फुटपाथे वो भी क्लियर हैं, सीट्स वगैरह भी गाड़ी की यहाँ से फ्रंट से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। यहाँ से आप लोग गाड़ी का आगे से डैशबोर्ड वगैरह जो है वो देखें, बाकी मीटर वगैरह भी यहाँ से आप लोग जो है वो चेक कर लें गाड़ी का। रूफ़ की अगर बात की जाए गाड़ी की, छत की, तो छत भी बिल्कुल साफ़ है गाड़ी की। चलते चल के गाड़ी की डिग्गी भी एक नज़र जो है वो देखते हैं किस तरीके से आप लोग को जो है वो मिलती है, तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो एक नज़र दिखाऊँ। तो सबसे पहले आप लोग कॉर्नर्स देख लो, यहाँ से आप लोग ये चेक कर लो, अच्छा ये स्टिकर मेरे ख्याल से अभी भी लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये भी आप लोग जो है वो चेक कर लें। यहाँ से सारे कॉर्नर्स देखें, पूरा बैक की शीट दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप लोग दूसरी साइड चेक करें,
ये वाला कॉर्नर चेक कर लें, ऊपर से डिग्गी आप लोग जो है वो देख लें। तो एक ये कंप्लीट व्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी की डिग्गी का भी दिखा दिया, नीचे कोई रस्ट नहीं है, बिल्कुल पूरा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा जो है ये एरिया है। चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी कैसी है। सो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं, इंजन रूम में भी आप लोग नो डाउट चेक करो, फ्रंट की पट्टी वगैरह गाड़ी की जो है वो क्लियर है, कोई रस्ट वगैरह नहीं है। साइडों से गाड़ी जो है वो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी जो है वो आप लोग देखें, कुप्पे वगैरह गाड़ी के जो है वो आप लोग देखें, बैक की जो शील्ड होती है यानी कि पीछे की वॉल जो होती है वो आप लोग देख रहे हो गाड़ी की बिल्कुल साफ है, टिकली वगैरह लगी हुई है। दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग चेक कर लो। तो ये कि कंप्लीट व्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी का जो है वो इसका दिखा दिया है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, जरा उनसे रेट में भी बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों को रेट इसके ऐसे करवा दें कि ताकि आप परचेज कर सको। सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं तला भाई जिनकी ये गाड़ी है। सर कम्प्लीटली गाड़ी तो मैंने जो है वो आपको दिखा दी है। अच्छा सर, सबसे पहले आप ये बताएं सर, ये गाड़ी निकाल के कहाँ से लाए आप? सर ये गाड़ी जो है हमने एक तरह से बंदे से छीन के लाए। छीन के लाए? नहीं करे सर, उसके उसने अपने जिगर का टुकड़ा बना के रखा, उसे छीन के हमने लिए। ठीक है, 99 का जो है ये मॉडल है गाड़ी, आप लोगों ने जो है वो देखी, इसकी डिटेल्स ले लेते हैं। सर बॉडी में खुदा ना खासा कोई एक आध पीस टचअप? सर हुआ भी, अगर हुआ भी तो बिल्कुल माइनर कलम टचिंग होगी, कहीं भी एक होता है ना स्प्रे, कहीं भी नहीं हुआ होगा। स्प्रे कहीं पर भी, फुटपाथियों पे भी नहीं हुआ, फुटपाथियों पे भी नहीं हुआ, बम्पर हुए होंगे इसके। अब बम्पर तो लाजमी सी बात है, उसके अलावा गाड़ी ओरिजिनल है। एसी वर्किंग में इसका? एसी इसका वर्किंग में, अपना ओरिजिनल इंजन है, न्यू ब्रांड न्यू टायर डले हुए आप दिखा सकते हैं, रिम अच्छे हैं, फैन ऑटो पे चल रहा है अभी तक ओरिजिनल अपना इसका। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं कि इंजन इसका अपना है तो कितना चली हुई अपने इंजन पे? सर ये मेरे ख्याल से 180 180 तक गाड़ी चली हुई, बंदे के पास थी जिससे मैं लेके आया हूँ। 2003 से 2023 तक यानी कि हो गई है तकरीबन 10 साल, 20 साल तकरीबन भाई, 20 साल से एक बंदे के पास थी गाड़ी, भाई लेके आ गए। सर अब पैसे ऐसे हो जाएं कि यानी कि देखें आखिरी वीक है, अब तो ईद के बाद ही अगर गाड़ी सेल होंगी तो होंगी, तो ऐसे करते हैं मुनासिब रेट के, कोई देख रहा हो जो बंदा जो लवर हो खासतौर पर हमारा इंडस का, ये वो लेके चला जाए, ये जो इसका लवर है वही इसको लेगा। सर पैसे मुनासिब वाले? सर डिमांड बताएं, फाइनल बताएं, बताएं सर पहले डिमांड बताएं, फाइनल हम फिर देखते हैं, हम बताएंगे फिर लोगों को क्या सीन है। सर देखें इसके में ना 1180 तक डिमांड मैंने इस गाड़ी की रखी है। 1180 तो ज्यादा है ना, अभी मार्केट के हिसाब से आप देखें चलें गाड़ी बहुत ऊपर है आपकी, लेकिन पैसे तो यार बहुत है, 1180 तो यार इंडस पर आपके सामने आज की मार्केट के हिसाब से करें मुनासिब, बिल्कुल एक देने वाला कर दें फिर, मैं बोल रहा हूँ यार चलो बकराईद पे ना कोई बंदा गाड़ी चला ले घर पे, 1150 कर दूंगा, 1150 इससे कम नहीं, 1150 पूरे पूरे नहीं, पूरे पूरे एहसान भाई क्या कर रहे हो, खुद की खरीद नहीं हो रही। अरे 1125 बिल्कुल डन है, डन, पर पेपर वेपर हर चीज क्लियर है इस गाड़ी का, टैक्स वैक्स सब। भाई हमारी 11 की रिक्वेस्ट पे 1125 पे तो जो है वो भाई आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, कॉल वॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला गाड़ी अच्छी है, गाड़ी आप लोगों ने देख ली, जो भी हो भाई से बातचीत करें, जोड़ तोड़ बनाएं और गाड़ी ले जाएं। सर अपना नंबर बताएं, 0316 2588 2588 062 062। और गाड़ी कहाँ देख सकते हैं? पुराना गोली मार में। ठीक है, मैकेनिक लाएं, डेंटर लाएं, पेंटर लाएं, जिसको दिल करे लाएं गाड़ी तसल्ली से चेक करें। चलिए जी भाई आए तसल्ली से गाड़ी चेक कराएं, उसके बाद ता भाई ने बोल दिया कि फिर ले जाएं, चलें शुक्रिया। बोला था कि भाई आज की वीडियो में मेहरान ज्यादा होने वाली है, तो 2016 की एक और गाड़ी आप लोगों के लिए जो है वो लेके आ गया हूँ मैं। अच्छा इस गाड़ी के हवाले से अगर बात की जाए तो गाड़ी टचअप है, बाकी कि क्या क्या टचअप है जो गाड़ी के ओनर हैं उनसे हम मालूम कर लेंगे, बता देंगे आप लोगों के भाई क्या सीन है गाड़ी का। अच्छा गाड़ी की लाइट्स वाइट्स गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में आप लोगों को नजर आ रही होंगी, नंबर प्लेट्स वगैरह इसके अंदर जो है वो लगी हुई आप लोगों को नजर आ रही होंगी। बाकी चलते हैं चल के गाड़ी का एक पूरा ओवरव्यू आप लोगों को देते हैं कि गाड़ी का ओवरव्यू किस तरीके से है। तो गाड़ी का आप लोगों ने फ्रंट देखा, गाड़ी की बैक साइड पे जो है वो आ चुके हैं हम लोग, बैक साइड से भी एक नज़र जो है वो आप लोग देख लें। सो यहाँ से आप लोग गाड़ी की बैक साइड वगैरह भी एक नज़र जो है वो देख लें, यहाँ से दोनों यानी कि बिल्कुल क्लियर है गाड़ी, जो हल्के फुल्के स्क्रैचेस होते हैं वो आप लोग के सामने होते हैं गाड़ी में। टायर्स आप लोग देख लें, टायर्स की ग्रिप्स अगर आप लोग को अच्छी जो है वो नज़र आ रही होगी। बाकी गाड़ी का इंटीरियर आप लोग को चेक करवाता हूँ किस तरीके से जो है वो आप लोग को मिल रहा है, ये आप लोग जो है वो चेक कर लें। गाड़ी के दरवाज़ों की डोरियाँ वगैरह सीले वगैरह क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, डोर पैनल से आप लोग गाड़ी के जो है वो एक नज़र देखें, नीचे से गाड़ी के फुटपाथे आप लोग जो है वो चेक कर लें, ऊपर से गाड़ी के सारे पिलर्स मैं आप लोग को एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ। बाकी सीट्स की अगर बात की जाए तो सीट्स नो डाउट बहुत साफ सुथरी हैं गाड़ी की, यानी कि कोई डस्ट वगैरह नहीं है, जिस तरीके से आती हैं कंपनी वाली उसी तरीके से इन्होंने मेंटेन करवाई हुई है। डैशबोर्ड भी गाड़ी का क्लियर है, साफ सुथरा है, मीटर आप लोग करीब से जो है वो देख लें, इसके अंदर आप लोग को माइलेज वगैरह भी जो है वो गाड़ी के अंदर नज़र आ जाएगी। तो ये तो हो गए फ्रंट साइड की, इसी तरीके से गाड़ी की मैं आप लोग को बैक डोर भी दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग को मिल रहा है, तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो एक नज़र चेक करें।
नीचे फुटपाथे साफ़ हैं, दरवाजे गाड़ी के जो है वो क्लियर हैं, ऊपर से पिलर्स आप लोग एक नज़र जो है वो देखें। तो एक कम्प्लीट व्यू गाड़ी का जो है वो हो गया। इसकी डिग्गी आप लोगों को चेक करवाते हैं, गाड़ी डिग्गी से किस तरीके से, तो ये देखना है हाइड्रोलिक वगैरह गाड़ी की बिल्कुल सही चल रही है। यहाँ से आप लोग जो है वो बैक देखें डिग्गी का, ऊपर से कॉर्नर्स देख लें, सारी सीले वगैरह जो है वो देख लें। बाकी बात की जाए गाड़ी की यानी कि लॉक पट्टी वगैरह की साइड की, तो ये भी गाड़ी की आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होगी। नीचे आ जाते हैं हम लोग गाड़ी की नीचे वाली साइडों पे, तो यहाँ पर भी देख लें यहाँ कोई रस्ट वगैरह नहीं है। बाकी एक्सपायर व्हील वगैरह गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, अंदर की साइडों पर भी कोई रस्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कम्प्लीट व्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा दिया, एक्सटीरियर भी दिखा दिया। अब गाड़ी का इंजन रूम जो है वो बाकी रहता है, तो चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम भी देख लेते हैं। सो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं, इंजन रूम आप लोगों को एक नज़र जो है वो गाड़ी का दिखा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग गाड़ी की फ्रंट की जो पट्टी होती है यानी कि जिसको हम फ्रंट की शो पट्टी बोलते हैं वो आप लोग चेक कर लें। दोनों तरफ से गाड़ी की क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। गाड़ी के कुप्पे में आप लोगों को एक नज़र दिखा देता हूँ, कुप्पे आप लोग यहाँ से जो है वो देखें, कोई रस्ट वगैरह नहीं है गाड़ी के कुप्पों पर। बैक की शील्ड की अगर बात की जाए देख लें, टिकली वगैरह हर चीज़ गाड़ी के अंदर मौजूद लगी हुई नज़र आ रही होगी। दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग एक नज़र जो है वो देखें। तो ये कंप्लीट व्यू मैंने गाड़ी का आप लोगों को जो है वो दिखा दिया है कि इंजन रूम किस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है। आप चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और मजीद मालूम ले लेते हैं। सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं सादेन जिनकी ये गाड़ी है, इनको तो आप सादेन को तो आप जानते ही होंगे। सादेन भाई आज क्या लाए हैं हमारे लिए? आज सर तोहफा लाए हैं, मेरा मेहरान लाए हैं जी। 16 की गाड़ी, 16 के 10वें महीने की। ठीक है, कैसी गाड़ी है सर ये गाड़ी? सर ये हर चीज़ से माशाल्लाह परफेक्ट है। बाहर से 40% शावर है और 60% ओरिजिनल है। ठीक है, 40% जो है ये शावर है और 60% जो है वो ओरिजिनल बता रहे हैं। खुदा ना खासा कोई मेजर हिट नहीं, मेजर हिट कहीं से नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें, CPLC टैक्स नंबर प्लेट क्लियर, टैक्स रनिंग है वो मैं पेड करा दूंगा। ठीक है, अभी यानी कि आपके नजरिए में गाड़ी के अंदर कोई काम नहीं है? नहीं कोई काम नहीं। ACVC इसका वर्किंग में? हाँ हर चीज़ वर्किंग है, हर चीज़ जो है वर्किंग। कितना चली हुई गाड़ी है ये? मीटर पे तो 40 शो कर रही है लेकिन 125-130 आप लगा। यानी कि हाँ वो मीटर इसका रिवर्स हो जाता है तो वो वाली सीन हो जाता है। तो तकरीबन 140-130 तक जो है ये गाड़ी चली हुई है, अंदाजन बता रहे हैं। वैसे नॉर्मली बंदा आता है गाड़ी देखता है तो पता चलता है, कंडीशन पे डिपेंड करके आपको पता। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से सर अब आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर। सर पैसों में क्या है ये गाड़ी? इसके 9.5 डिमांड। 9.5 सर ज़्यादा नहीं है, मुनासिब करें कुछ? मार्केट के रेट आप देखें, 10-40, 10.5। देखिए मार्केट वाले, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि मार्केट वाले जो मांग रहे हैं ना उसकी गाड़ी बिक नहीं रही, आपकी वीडियो पे मैं पहले ही पता है आपको मैं मुनासिब रेट बोलता हूँ। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन फिर भी देखें मैं चाह रहा हूँ ना, आज मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं ना संडे वाले दिन, उनकी गाड़ियाँ इससे पहले सेल हो जाए, ईद तक ना रुके। यानी कि जाहिर सी बात है, देखें हर किसी के अपने अखराजात होते हैं, कुर्बानी का सीन है, जाना आना, तो वो जाहिर सी बात है आप मजबूरन ही आए हैं ना, आपको कोई शौक थोड़ी है धूप में आके खड़े होकर गाड़ी सेल करने का। पैसे बिल्कुल मुनासिब करें सर, 9.25 तक दे दूंगा। 9 के अंदर नहीं आएगी गाड़ी? 9 के अंदर बहुत कम, 9 के अंदर बनाए ना। देखें सीन, देखें मार्केट मुझे भी पता है आपको भी पता है, जो देने वाले रेट है उस पर फाइनल कर दें आज गाड़ी। वो बोले हसन भाई लॉक है, ताला है, सब कुछ लगाओ, बाटा टाटा लेके जाओ। 9 लाख रुपए की इसकी 8.65 की मेरे पास मार्केट में। अब ये देखें डिमांड ना कुछ समझ में आने वाली आ रही है कि हाँ यार 9 लाख रुपए करिए तो बंदा कुछ आगे पीछे करेगा। आपकी खातिर मैं थोड़ी बहुत और मोहब्बत कर दूंगा 5-10 की, लेकिन इससे नीचे की नहीं होगी क्योंकि 8.65 की मुझे यहाँ पे इसकी ऑफर आई है। 8.80 तक नहीं होगी, 8.65 की आपको डिमांड आई हुई है जी। सो 8.65 की डिमांड आई हुई है, लेकिन उससे ऊपर देनी है गाड़ी। अब आप लोग भाई लोग देख लेना, जो भी डिमांड बने आप इसमें बातचीत कर लेना साधन से। लेकिन जहाँ तक हो सकती है मैं कोशिश करता हूँ, लोगों से बोलता हूँ कम हो जाते हैं वो करवा देता हूँ, बाकी आपका अपना हुए कि जैसे आप अपनी तरीके से हैंडल कर लें। भाई अपना नंबर भी शेयर करें साधन, 0314-011-2119056-9056। तो ये जो है वो गाड़ी की टोटल डिटेल थी, बाकी पुराना गोली मार पे ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं। मार्केट रेट पहले ही बता चुका है, कोई 10 लाख रुपये मांग रहा है, कोई 10.25 लाख रुपये मांग रहा है, कोई 9 लाख रुपये, यानी कि कोई एक रेट नहीं है गाड़ी के, ऊपर नीचे हर कोई अपनी अपनी डिमांड कर रहा है। तो चलें, नीचे नहीं मिलेगी ऊपर ही मिलेगी। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। सो पंजाब वाले हमारे जितने नाजरीन हैं जो बोलते हैं हसन भाई पंजाब नंबर की गाड़ियां जो है वो ऐड कर दिया करें, 2015 मॉडल की GLI हम लोग के पास मौजूद है 1211, और नंबर भी इन्होंने मेरे ख्याल से अपने फरमाइशी जो है वो निकलवाया होगा कुछ तरीके का। तो ये देख लें गाड़ी, जिन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट करी थी खास तौर पर, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। भाई से मेरी बातचीत हुई, भाई बता रहे हैं उन्होंने ओरिजिनल रखी हुई, जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो उन्होंने छोड़े हैं। बाकी ये कि जाहिर सी बात है हमेशा मैं यही बोलता हूँ, जो गाड़ी के ऑनर हैं जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो मजीद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में जो है वो दे देता हूँ। गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह बिल्कुल साफ़ हैं, फ्रंट की ग्रिल बिल्कुल साफ है, बम्पर्स वगैरह आप लोग जो है वो देख लो। इसके अलावा हम बात करें गाड़ी की ड्राइविंग साइड की, तो ड्राइविंग साइड से भी गाड़ी आप लोग जो है वो देखें, यहाँ से भी गाड़ी आप लोग को क्लियर जो है नज़र आ रही होगी। नॉर्मली टोयोटा वाले इसके ऊपर व्हील कैप्स वगैरह लगे हुए हैं, टायर्स की अगर बात करें तो लेके आप लोग चला सकते हैं, हाल फिलहाल चेंज ना करवाएं कोई मसला नहीं है। गाड़ी की बैक साइड वगैरह चल के देखते हैं गाड़ी बैक साइड से किस तरीके से आप लोग को जो है वो मिलती है।
तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं दोनों लाइट्स वगैरह आप लोगों को गाड़ी की बिल्कुल साफ मिल रही है, कुछ टूटा फूटा नहीं है, गाड़ी क्लियर है। बम्पर हाँ थोड़ा बहुत लगा हुआ घिसा हुआ है, ये इतना घिसना तो आप लोग पता है नॉर्मली चलता ही रहता है। बाकी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स दोनों इन्होंने लगाई हुई है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। जो स्क्रैचेस हैं थोड़े बहुत वो मैं आप लोगों को गाड़ी पे दिखा दूं, एक ये वाली साइड हल्की सी ये रगड़ लगी हुई है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है ये भी। बाकी इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ, तो ये आप लोग जो है वो चेक कर लें। यहाँ वाली साइड से भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हल्का सा जो है वो नीचे वाली साइड लगी हुई है। बाकी कोशिश करेंगे, देखेंगे भाई रेड में जो है वो गाड़ी क्या बनती है, इसका मैं आप लोगों को इंटीरियर वगैरह चेक करवाता हूँ, इंटीरियर किस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख लें गाड़ी के डोर पैनल्स, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ नीचे की साइडें वगैरह जो है वो आप लोग देखें, गाड़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अंदर आ जाते हैं हम लोग गाड़ी के, तो अंदर से जो है वो डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का क्लियर है, अच्छा वाला मैट डाला हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये गाड़ी है। बाकी सीट कवर्स की अगर बात करें तो रेक्सिन वाले टोयोटा के सीट कवर्स वगैरह इन्होंने गाड़ी के अंदर जो है वो मेंटेन करे हुए हैं। बाकी फुटपाथ आप यहाँ से देखें, गाड़ी के पिलर से एक नज़र जो है वो यहाँ से आप लोग देख लें। बाकी बैक साइड से भी मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ गाड़ी बैक साइड से किस तरीके से, तो ये आप लोग जो है वो यहाँ से नीचे की फुटपाथें वगैरह देखें गाड़ी की, गाड़ी के पिलर जो है वो आप लोग देखें। इसी तरीके से दरवाज़ा वगैरह मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो दिखा रहा हूँ। तो ये कि कंप्लीट व्यू मैं आप लोगों को गाड़ी का यहाँ से जो है वो दे दिया है। अब चलते हैं चल के गाड़ी की डिग्गी चेक करते हैं। डिग्गी की तरफ आ चुके हैं, यहाँ से डिग्गी खोल ली हम लोगों ने, तो ये भी आप लोग को चेक करवा दें। यहाँ से कॉर्नर्स वगैरह आप लोग साइडें देख लें, ये वाली साइडें जैसे कि मैं आप लोग को बोलता हूँ हमेशा, यहाँ से भी जो है वो गाड़ी को आप लोग देखें। बाकी ऊपर से अगर सीलों वगैरह की बात करें तो सीलें वगैरह आप लोगों के सामने कंप्लीट आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी। तो कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है यार, जितने अच्छे से दिखा सकूं गाड़ी आप लोगों को दिखा दूं। बाकी कोई चीज़ समझ में ना आया करें मुझे कमेंट करके बता दिया करें कि भाई असिन भाई ये समझ में नहीं आ रहा था, अगली दफ़ा इस तरीके से नहीं इस तरीके से बनाइएगा, तो वो भी जो है वो इंशाल्लाह ताला नोट डाउन हम लोग करते रहते हैं, तो आप लोग के लिए उसी तरीके से कंटेंट लाते हैं हर दफ़ा। गाड़ी की डिग्गी वगैरह भी आप लोगों को चेक करा दी नीचे की साइड, आप चलते हैं जो गाड़ी का इंजन रूम है वो चेक कर लेते हैं। सो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं, ये भी आप लोग को जो है वो दिखा दूँ, ये आप लोग जो है वो देख लें। फ्रंट की पट्टी जो है वो आप लोग चेक कर लें एक नज़र, फ्रंट से आप लोग को देखें क्लियर नज़र आ रहा होगा। साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की आप लोग देखें, इसी तरीके से गाड़ी के कुप्पे मैं आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ, कुप्पे आप लोग देख लें। बैक की शील्ड वगैरह जो है वो आप लोग देखें, वैसे बेसिकली इसमें इतना स्मूथली आप लोगों को नज़र नहीं आता बैक साइड पे, लेकिन ये के कुप्पे वगैरह मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो एक नज़र दिखा देता हूँ। तो ये एक ओवरव्यू था गाड़ी का, पूरे गाड़ी मैंने आप लोगों को जो है वो दिखाई, ऊपर से बोनट वगैरह भी एक नज़र जो है वो आप लोग देखें। तो ये कम्प्लीटली एक व्यू मैंने आप लोगों को दे दिया, आप चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं जरा उनसे बातचीत करते हैं और इस गाड़ी की मज़ीद मालूमात ले लेते हैं। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं रियाज भाई, रियाज भाई की ये गाड़ी है। सर हमने गाड़ी तो जो है वो कम्प्लीटली दिखा दी है, बाकी गाड़ी के बारे में बताएं सर, गाड़ी कैसी है चलने में, इंजन सस्पेंशन वगैरह कैसा है गाड़ी का? इंजन सस्पेंशन गियर टायर सब कुछ जीरो मीटर की तरह, ठीक है, यानी कि इस चीज़ में गाड़ी बिल्कुल जो है वो क्लियर है। अच्छा बॉडी में आपने मुझे बताया कि ये गाड़ी पूरी ओरिजिनल है? जी पूरी ओरिजिनल है, और जो छोटा मोटा काम है वो आपने चेक कर लिए, ठीक है, यानी कि ये जो स्क्रैचेस आए हैं बस यही है, इसके अलावा पूरी गाड़ी जो है वो आपने ओरिजिनल रखी हुई है, ओरिजिनल सीपीएलसी टैक्स नंबर प्लेट्स हर चीज़ क्लियर मिलेगी, हर चीज़ जो है वो क्लियर मिलेगी। सर क्या पैसों में डिमांड रखी है गाड़ी की? डिमांड देने वाले आज बिल्कुल मुनासिब होने चाहिए ताकि जो बकराईद से पहले लेना चाहे ना बंदा वो बस खरीद ले गाड़ी आपसे आके। ऐसे तो इसके 30 लाख रुपये डिमांड है, 30 लाख रुपये डिमांड ये देनी है, 29-30 में देनी है फाइनल, 29-30 में देनी है, ठीक है, 29,30,000 रुपये में ये गाड़ी फाइनल भाई जो है वो बोल रहे हैं। बाकी फिर भी आप लोग कॉल वॉल करके देख लीजिएगा अगर इससे अच्छे में बातचीत आपकी बन सकी, खासतौर पे जो पंजाब वाले साइड के हमारे भाई हैं जिन्होंने बोला था कि ऐसा भाई नंबर प्लेट कोई अगर वहाँ की मिले तो दिखाइएगा, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है सर अपना नंबर भी शेयर कीजिएगा। 0341-0341-24-24-70-70-872-872। तो ये जो है वो भाई का नंबर है। बाकी सर गाड़ी कहाँ देख सकते हैं हम लोग? नागन पे, ठीक है, नागन चौरंगी पे ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं। चलें शुक्रिया। सो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक गाड़ी का सौदा हो चुका है, और गाड़ी का सौदा जो हुआ है वो हुआ है भाई इस अंडेस करोला का, जो मैंने आप लोगों ने बड़ी लड़ झगड़ के पैसे कम करवाए थे तला से, और अभी जानते हैं भाई तला भाई से कितने की ये गाड़ी सेल हुई। तला भाई कैसे हैं? जी ठीक ठाक। सर आपने सेल कर दिया, हमारे व्यूअर्स को क्या मिलेगा? सर आपके व्यूअर्स के लिए अभी दूसरी गाड़ी लेके आते हैं, भाई को दे दी, दे दिए भाई को। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको गाड़ी। सर कितने का सेल हुई गाड़ी है? सर बस जितने में दिए बताना है यार, बताएं तो सही ना, देखें व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, बता दें जितने की भी दिए कोई टेंशन ही नहीं है यार, ये हमने 1080 की दी, 1080 की दे दी भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह भाई नसीब करे। नंबर बताओ मेरे को, ये आया मिस्कॉल देखो, तो यही है, देख ले भाई इस तरीके से सौदे बने होते हैं तो कॉल करा करें, हमेशा बातचीत करा करें, गाड़ियां जो है वो इस तरीके से सेल हो जाती हैं।
2017 और 2021 की एवरी अभी हमारे पास मौजूद है। तो एवरी की बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एहसन भाई हाईजेट तो काफ़ी ज़्यादा आई हुई होती है मार्केट में, लेकिन आप एवरी नहीं दिखा रहे होते हो। तो भाई उन लोगों के लिए ये गाड़ी है, गाड़ी आप लोग चेक कर लो, नो डाउट साफ सुथरी जो है ये गाड़ी है। मजीद जो इस गाड़ी की डिटेल्स हैं वो हम गाड़ी के ऑनर से मालूम करेंगे, उनसे जो है वो एक एक चीज़ मालूम कर लेंगे भाई किस तरीके से गाड़ी लाइट्स वाइट्स आप लोगों ने देखी गाड़ी से बिल्कुल चमकती हुई आप लोगों को जो है नज़र आ रही होगी। साइडें वाइडें देखो आप लोग, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, कोई डेंट्स वगैरह गाड़ी के ऊपर जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम गाड़ी की बैक साइड पर आ जाएँ तो यहाँ से आप लोग जो है वो बैक साइड भी चेक करो गाड़ी, डिग्गी वगैरह गाड़ी की बिल्कुल क्लियर, दोनों लाइट्स आप लोग जो है वो देख लो। बाकी नंबर प्लेट इसके ऊपर वैसी लगी हुई है भाई, से मालूम कर लेंगे भाई क्या हिसाब किताब है, इन्होंने मतलब ओरिजिनल नंबर प्लेटें निकलवाई हैं या नहीं निकलवाई, ये सारी चीज़ें भी डिटेल्स वगैरह हम गाड़ी के ऑनर से ही मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड भी आप लोग एक नज़र देख लो, यहाँ से डोर वगैरह खुला हुआ है गाड़ी का, तो एक भाई देख भी रहे हैं गाड़ी आके। तो आप लोगों को यहाँ से बैक से खोल के दिखाता हूँ मैं गाड़ी किस तरीके से आप लोग को अंदर से मिल रही है गाड़ी। तो ये हम लोग जो है वो यहाँ से खोल लेते हैं, तो ये आप लोग जो है वो चेक करें। पहले तो आप लोग डिग्गी की जो डोरियाँ होती हैं वो देख लें, क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ऊपर से कॉर्नर से आप लोग देख लें डिग्गी के, ये आप लोग चेक करें, नीचे की पूरी साइड है वगैरह जो है वो आप लोग चेक करें। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है अच्छे से आप लोगों को गाड़ी दिखा दूँ, बाकी कोई चीज़ नहीं समझ में आया करे गाड़ी के ऑनर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अच्छे से और मजीद डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। बाकी आप लोग इंटीरियर में रूफ़ वगैरह देख लो, गाड़ी की रूफ भी बिल्कुल साफ़ है। यहाँ से आप लोग साइड वगैरह के पिलर्स भी जो है वो एक नज़र देखो। चलते हैं आप लोगों को गाड़ी फ्रंट से भी दिखाते हैं, यानी कि फ्रंट का डोर वगैरह और डैशबोर्ड वगैरह भी जो है वो गाड़ी का चेक करवाते हैं किस तरीके से। तो ये आ चुके हैं हम लोग फ्रंट वाली साइड पे, तो यहाँ से पहले आप लोगों को जो है मैं गाड़ी के दरवाजे चेक करवाऊँ। नीचे के कॉर्नर्स आप लोग देख लें बिल्कुल साफ़ हैं, इसी तरीके से पूरी डोरियाँ वगैरह जो है वो गाड़ी की देख लें। यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो गाड़ी इन्होंने बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना साफ़ सुथरी कंडीशन में जो है वो रखी हुई है। डैशबोर्ड वगैरह भी गाड़ी का बिल्कुल साफ़ है, ऊपर मैट वगैरह डला हुआ है। बैक साइड की सीट की अगर बात करें, कंपनी फिटेड जो स्ट्रेट सीट आती है वो आप लोगों को लगी हुई जो है वो नज़र आ रही होगी, इस पर भी कोई डस्ट वगैरह नहीं है। नीचे वाली जो फुटपाथें होती हैं गाड़ी की ये भी क्लियर हैं, साफ़ सुथरी हैं। बाकी दरवाज़ों के आप कब्ज़े वगैरह देख लें और ये सारी ग्रिलिंग वगैरह देखें तो यहाँ से भी गाड़ी क्लियर है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और इस गाड़ी की मजीद मालूमात ले लेते हैं। सो वकार भाई अभी हमारे साथ मौजूद हैं, वकार भाई की ये गाड़ी है। सर गाड़ी हमने तकरीबन दिखा दिए, बाकी डिटेल्स हैं गाड़ी ऊपर से कैसी है, बॉडी में, इंजन, सस्पेंशन, एसी, कैसी है ये गाड़ी? सर हर चीज़ में बिल्कुल ओके, फुल ओरिजिनल कंडीशन में, इंजन अपना है जेन्युइन कंडीशन में, बाकी सस्पेंशन भी ओके। यानी कि इंजन और सस्पेंशन से गाड़ी बिल्कुल ओके है, बॉडी में आप गाड़ी बता रहे हैं पूरी जेन्युइन है, पूरी जेन्युइन, कोई एक पीस भी टचअप नहीं, कोई टचअप नहीं। ठीक है, कितना चली हुई है सर ये गाड़ी? ये जापान से 1,05,000 ऑक्शन शीट पे है और पाकिस्तान में 25,000 टोटल, 1,35 से टोटल 1,35 से। यानी कि आपने रिवर्स वगैरह इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कितने ग्रेड की गाड़ी है सर? ये 4.5 ग्रेड की, 4.5 ग्रेड की जो है ये गाड़ी है। और अभी नंबर प्लेट वगैरह सब निकलवा ली आपने, इशू वगैरह करवा ली वो उसका भी? ठीक है, यानी कि नॉट इशू का पेपर वगैरह, इशू का पेपर है। ठीक है सर, क्या डिमांड रख रहे हैं आप गाड़ी की? ये 23 लाख रुपए। और कुछ मुनासिब सर देने वाली? थोड़ी बहुत रियायत हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी बहुत हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी? ज़्यादा नहीं होगी। चलें, जो थोड़ी बहुत रियायत होगी इसके अंदर वो इंशाल्लाह ताला जब आप कॉल करेंगे तो आपको अच्छे से जो है भाई बता देंगे। अच्छा एक सवाल मैं और पूछना भूल गया, एवरेज क्या देती है? एवरेज ये 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर 1 लीटर में 18 किलोमीटर विद एसी? विद एसी है। तो ये सारी डिटेल है गाड़ी की, सब चीज़ें आप लोगों को बता दी है। भाई का नंबर ले लेते हैं, अगर किसी भाई को गाड़ी पसंद आए तो कॉल कर लीजिएगा, अपना नंबर शेयर करिएगा। 0313 666 3200 3200। तो ये जो है वो भाई का नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। कराची में कहाँ देख सकते हैं? कराची औरंगी टाउन में। ठीक है, कराची औरंगी टाउन में ही गाड़ी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया। फाइनली दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली ये वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो भाई काफी ज्यादा टाइम हो गया, अभी मगरिब की अजान जो है वो होने वाली है। तो भाई हमेशा मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ, अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हुआ करे तो नीचे जाके कमेंट कर दिया करो, गाड़ी का नाम लिख दिया करो और गाड़ी का मॉडल लिख दिया करो, ताकि मैं जब भी आऊँ मार्केट में, जब भी मौका लगे किसी ब्रोकर के पास हो, किसी शोरूम पे हो गाड़ी, तो आप लोगों के लिए वो गाड़ी दिखा दूँ मैं आप लोगों को। तो हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई लाजमी रिक्वेस्ट करा करें। भाई ये हमारे सब्सक्राइबर अंकल दिखे हैं, हेलो भाई हाथ हिला दो, टाटा। चलें भाई इसी जो है वो प्यार के साथ, प्यार जो है वो नीचे थोड़ा दिखाते रहा करें, लाइक कर दिया करें वीडियो पर, कमेंट कर दिया करें और वीडियो को जो है वो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।